हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन मैनिया। मैं हूँ तुम्हारा होस्ट हमैस। तो सलमान खान की अपकमिंग मूवी भारत का टीज़र आ चुका है और अराउंड 8 आवर्स पहले आ चुका है और मुझे नहीं पता था। थैंक्स टू यूट्यूब, मेरा यूट्यूब बार बड़ा भरा हुआ जो मुझे आज खाली करना पड़ेगा। तो बग काफ़ी फजूल और चीज़ें पड़ी हुई है उसके ऊपर, तो मुझे पता नहीं चलता है कौन सी अपडेट कब आ रही है। और तो मैं नहीं समझ पा रहा था कहाँ से एक अचानक से मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था और सडनली एकदम से वो पॉपअप हुआ और मैं ओह शिट, मैं लेट हो गया। तो फाइनली मैं इसका टीज़र रिएक्शन करने जा रहा हूँ। और जिनको पता है, मोस्टली जो फैंस हैं उनको ये बात पता है कि भारत ऑफिशियली मूवी अडप्शन है 2014 कोरियन मूवी की, जिसका नाम था ओड टू माई फादर। तो ये सेकंड मूवी होगी ट्यूबलाइट के बाद जो अडप्शन थी किसी कोरियन मूवी से रिलेटेड। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसकी स्टोरी कैसी होगी, क्या होगा, क्योंकि 2014 की कोरियन मूवी जो है वो काफ़ी मशहूर है। उसके मैंने टीज़र भी देखे थे, उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ा भी था। मैं नहीं बताऊंगा उसकी स्टोरी क्योंकि ऑब्वियसली बात है वही चीज़ है, स्पॉइलर टाइप का हो जाएगा। तो बेहतर है हम मूवी का वेट करें क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज होनी है इस मूवी के अंदर, काफ़ी चीज़ें हमें देखनी है। इस मूवी काफ़ी अच्छी कास्ट है, सलमान खान है, कटरीना कैफ है, दिशा पठानी है, वरुण धवन भी हैं और नील नितिन सिंह भी हैं, काफ़ी एक्टर हैं। तो बहुत अभी बातें, टीज़र देखने जा रहा हूँ मैं, चलो चलते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूं कि इस देश के नाम पे मेरे बाबूजी ने मेरा नाम भारत रखा। अब इतने बड़े नाम के आगे जाति धर्म सरनेम लगा के ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूं। तो टीज़र मज़ेदार था, कुछ हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन हमें सलमान खान के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर वहाँ दिखे एज अ नेवी ऑफिसर एंड अ स्टंट मैन एंड ऑल्सो थोड़ी बियर्ड थी। तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहानी थी, एजेड दिखा रहे शायद उनको वो लास्ट पंच वाला शॉट। तो इतना मुझे पता है ये मूवी लाइक अ फैमिली ड्रामा, थोड़ी फैमिली सीक्वेंसेस मूवी के अंदर, तो नॉट लाइक फैमिली सीक्वेंस वो प्रेम रतन पाया वाली, लेकिन काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक्साइटिंग होगी क्योंकि और ऑब्वियसली बात है ईद पे है, तो सलमान खान की मूवी को पाकिस्तान में भी टक्कर देना बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि ईद पे मोस्टली सलमान खान की मूवीज़ हाउसफुल होती हैं। मैं 2 बार इस चीज़ को देख पाया हूँ, इस सिचुएशन को मैं देखा है कि क्या हुआ था। आई रिमेंबर सुल्तान एंड बजरंगी भाईजान, ये 2 ऐसी मूवीज़ थी जिस टाइम पर हम ईद पे गए हैं और सारे शो हाउसफुल थे, लिटरली रात के 2 बजे का शो भी हाउसफुल था और हम लाइक बहुत बड़ी गलती होती कि हमने टिकट्स पहले नहीं लिए। तो हमने सुल्तान ईद के 4th डे देखी थी और बजरंगी भाईजान तो मोस्टली पूरा वीक बाद देखी थी, तो काफ़ी इशू हुआ था और काफ़ी हम लड़े थे दोस्त की क्या बेवकूफ़ी की है तुम लोगों ने मूवीज़ के टाइम पर, ये है वो है। लेकिन नो डाउट सलमान खान की मूवीज़, 2 मूवीज़ ऐसी थी जो अभी तक कामयाब नहीं हुई पाकिस्तान में, लोगों को भी नहीं पसंद आई, ट्यूबलाइट एंड वेज 3। ओके, वो मूवीज़ की स्टोरी में इतनी जान नहीं थी, लेकिन बजरंगी भाईजान एंड सुल्तान इट्स अ हाउसफुल शो इन पाकिस्तान कराची, सो वी एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम भारत आल्सो। तो वो तो भारत जब आएगी तभी पता चलेगा, जब ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगा। वेल द टीज़र इज़ रियली नाइस, मज़ा आ गया और न्यू लुक न्यू स्टोरी, लेट्स होप कैसी होती है मूवी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक अस, सब्सक्राइब अस, बाय।